हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और आज दिन है मंगलवार और तारीख है 5, और सुबह के हो मतलब ये सुबह का टाइम है 5:30 बजे का। मैं उठ गई हूँ और जो है उठ के सबसे पहले मैं किचन में लगा रही हूँ, यहाँ पे पोछा, क्योंकि किचन मतलब रात में तो मैं पोछा नहीं, सॉरी, पोछ रही हूँ, क्योंकि रात में मैं पोंछ के ही सोती हूँ साफ़ करके, लेकिन फिर भी गंदा हो जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। और पनीर जो है ना, मैंने प्याज व्याज काट लिया है, टमाटर बस पीसना है, तो टमाटर और हरी मिर्च पीस लूँगी और प्याज मैंने पीस लिया है। और सुबह में हम ऐसी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं ना जो बहुत फटाफट से हो जाए, जल्दी से हो जाए। सभी सभी हाउसवाइफ का यही होगा कि चलो मैं जल्दी जल्दी कर लिया जाए। और यहाँ पे फिर मैं अपने लिए एक गिलास गर्म पानी करके और पहले ले लूँगी गर्म पानी। और पनीर की सब्ज़ी ना फटाफट बन जाता है, तो इसलिए मैं सुबह में बना रही हूँ यही। और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो सूखी भुजिए उजिए टाइप से खा लेते हैं, लेकिन बच्चे लोगों को सुबह में टिफ़िन पनीर दे दो तो बड़ा खुश होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि दोनों को आज स्कूल जाना है, तो दोनों को ही मैं ये सब्ज़ी दे दूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, प्याज मैंने जीरा का तड़का लगाया और गरम मसाला नहीं डाली हूँ, क्योंकि बच्चों को खाना है। बच्चों को मतलब साबुत वाला डाल दो ना तो फिर वो निकालने लगते हैं। तो प्याज उसमें डाल दिया प्याज, और प्याज भुनने के बाद जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैं पीस के रखती हूँ ना, वो डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, दूध थोड़ा सा बचा है, अभी दूध आया नहीं है। दूध 7 बजे आता है जब मैं बेटे को छोड़ने जाती हूँ, तो इसलिए जो रात का दूध बचा है ना, मैं थोड़ा सा रख देती हूँ ताकि सुबह मैं बेटे को दे सकूँ अपने शांतनु को पीने के लिए ना, दे देती हूँ वही वाला। और देवा के जाने तक ना आ जाता है दूध। तो यहाँ पे देखिए, जैसे प्याज भुना, अदरक लहसुन भुना, तो मैंने फटाफट इसमें डाल दिए मसाले, सब्जी मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जो भी है सारे चीज़ डाल के फिर मैं डाल दी इसमें टमाटर का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट। और जब तक मसाले मैं कम करके रख दी हूँ, जब तक भुनेंगे ना तब तक मैं इधर फटाफट आटा भी लगा लूँगी। देखिए क्या होता है, काम ना करने लगो ना तो फटाफट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं उधर मसाले का वेट करती तब तक आटा का लेट होता, उससे अच्छा है कि इसमें आप इधर के समय आटा भी लगा लीजिए, और थोड़ा सा ही आटा सुबह में बनता है, तो इसलिए फटाफट मैं कर लेती हूँ। तो इधर आटा भी लग गया और इधर मेरे मसाले भुन भी गए, तो दोनों काम देखिए एक साथ हो गया, तो बहुत ऐसे परेशानी नहीं होती है, काम हो जाता है। और मैं सुबह में उठती हूँ तो थोड़ी आलसपन रहती है, तो उसको उठते उठते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और मैं जैसे कि आप लोगों को बताती हूँ, बिना ब्रश किए नहीं आती, तो फ्रेश होने के बाद पहले ब्रश करती हूँ, उसके बाद ही मैं किचन में आती हूँ, क्योंकि जूठे मुंह से नहीं आना चाहिए किचन में। तो मतलब मेरा ये सोच है, बाकी सबका अपना अपना सोच होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं बना रही हूँ पनीर के सब्ज़ी, और मैं थोड़ी सूखी ही बनाऊँगी, बहुत गीली सी सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। तो सब्ज़ी जब तक भून रही है ना, मैंने उधर दूसरे चूल्हे पर कर दिया और इधर बना लेंगे रोटी। और सब्ज़ी मैंने ना शाही पनीर मसाला था तो वो डाल दिया है, इसीलिए मैं कसूरी मेथी और मलाई वगैरह नहीं डाली, क्योंकि शाही पनीर मसाले का ना खुद ही अलग ही टेस्ट आएगा, तो इसीलिए डाल दिया है। और इधर मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ, और बस अभी शांतनु के लिए ही रोटी बनाऊँगी। और पनीर की सब्ज़ी है ना, तो बच्चे रोटी ही ले जाना पसंद करते हैं, तो घी लगा के रख दूँगी। और पनीर के अलावा कुछ और होता है तो बच्चे भले मेरे पराठे और ये पूड़ी ले जाते हैं, लेकिन पनीर और छोले ये सब रहे तो रोटी ही पसंद करते हैं। और उसके बाद घी लगा के मैं यहाँ पे, और एक और बात, सिल्वर फॉइल ना नुकसानदेह होता है, तो सिल्वर फॉइल आप लोग मत दिया करिए बच्चों को। ये वाला जो रैपर आता है ना, जो मतलब कागज़ वाला होता है, इस टाइप का अच्छा रहता है। कई लोग बोलते हैं ना कि इसमें जो है घी मतलब गीला हो जाता है, तो आप मतलब गीला नहीं होगा, थोड़ी रोटी ठंडी करके रखिए तो गीला नहीं हो। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने शांतनु को दूध दे रखा है, दूध पी रहे हैं, और ये पानी ना 2 बॉटल लेके जाता है, क्योंकि इसके ना एक बॉटल से नहीं होता, गर्मी का दिन है। और चलिए अच्छी भी बात है, तो इसलिए मैं फ्रिज में रात में ही भर के रख देती हूँ, ठंडा हो जाता है, फिर उसको ये लेके जाता है 2 बॉटल, वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कहता है मम्मी प्यास बहुत लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ठीक है, पानी पीना तो अच्छी बात है, हम लोगों को भी पानी पीना चाहिए, गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और आज बाहर तो 7 बजे के टाइम में बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और देखिए जो है यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया,
स्कूल पे ले आकर मैंने छोड़ दिया और ये चला गया मतलब स्कूल, और उसके बाद मैं आई तो यहाँ देखिए जो है हस्बैंड मतलब उठ के अपना फ्रेश वगैरह होने आने के बाद थोड़ी देर बैठी हूँ, ऐसा नहीं कि आने के बाद तुरंत काम करने लगी हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर मतलब नहीं हो पाता वैसे करके, और कहीं जाओ ना तो आओ तो ऐसे ही थकान हो जाती है। तो आने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद जो है यहाँ पर मैं आ गई हूँ देवा को उठाने के लिए, और आप देखिए कि मतलब यहाँ कितना सामान फैला हुआ है। ये रात में गद्दा लगाते हैं ना तो इसीलिए, और ये बेटा शांतनु जो है ये मोटा सा चद्दर ओढ़ता है, हम लोग तो पतली वाली ओढ़ते हैं पर ये मोटा वाला ओढ़ता है, उसको ज़्यादा ही ठंडी लगती है इस वजह से। तो यहाँ पे जो चद्दरें हैं पहले इसको समेट लेते हैं, उसके बाद उठाते हैं देवा को, और देवा आज ना पहली बार जा रहा है क्योंकि वो मतलब वो मंडे को नहीं गया था, इसको मंडे को ही स्कूल खुला था लेकिन वो नहीं गया, रोने लगा था, और आज भी जो है खूब रोया कि मतलब मैं नहीं जाऊंगा, बड़ा करते करते तो उठा मेरे से नहीं उठा, फिर इस मतलब ये आए हैं इनसे फिर कहानी सुन सुन के बहुत मुश्किल से उठाए, उठ ही नहीं रहा था, कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बच्चे हैं इनका रूटीन ही नहीं बन पा रहा है, क्या करें। थोड़ा सा एक तो कोविड में ये लोग ऑनलाइन पढ़े, उसके बाद स्कूल खुला तो एक डेढ़ दो महीने गए फिर स्कूल बंद हो गया, और अभी खुला है तो ये रोज़ मतलब कह रहा है नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, तो कल ज़्यादा रोने लगा था तो मैंने छोड़ दिया था, और ये जो है आज जो है इसको उठा रही हूँ तो उठ नहीं रहा है, तो इसके पापा आ गए हैं उठाने के लिए, और चलिए जब तक ये उठाएंगे तब तक मैं इन लोगों के लिए अपना वो कर लूँगी। और तो ये उठा है बहुत मुश्किल से तो मैं ले गई हूँ नहलाने के लिए, और नहला के लेके आई हूँ, अब ये रेडी कर देंगे इसको, और मैं बस नहला के और ब्रश करा के इसको ले आई हूँ। तो ये कहानी सुन सुन के तैयार हो रहा था तो मैंने कहा तब तक आप रेडी कर दीजिए, और उसके बाद इसी बीच में मैंने बना लिया था इसके लिए पराठे, और दूध भी लेके आ गई थी कि मतलब सुबह में इतनी जल्दी रहती है ना कि आप हर मोमेंट को कैच नहीं कर सकते अकेले, कोई रहे तब तो ठीक है कि कोई वीडियो बना रहा है दिखा रहा है तो हो जाता है, लेकिन खुद से कैमरा इधर ले जाओ उधर ले जाओ बहुत जल्दी रहता है, इनका नाश्ता बनाना देवा का बनाना तीनों को करना छोड़ना छोड़ना ले जाना बहुत ही आसान नहीं होता है एक हाउस वाइफ के लिए, लेकिन ये कहने के लिए तो हम हाउस वाइफ हैं कि हाँ हमारे पास काम ही क्या है, हम घर में ही रहते हैं घर का ही काम करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि इतनी भागम भाग रहती है और मतलब हम भी तो यार बॉडी है थक जाता है। तो चलिए ये सब तो कितना भी हो जाए काम तो करना ही है, काम कौन करेगा, काम तो हमें ही करना है। तो देखिए यहाँ पे केला था तो मैंने उससे पूछा खाओगे तो मना कर दिया, और मेरे घर में ऐसी हालत है ना कि केला वगैरह कोई भी ये बच्चे खाते नहीं हैं, और किस उससे खिलाऊं समझ में नहीं आता, बस सेब खाते हैं, तो सेब आजकल खट्टे खट्टे आ रहे हैं तो सेब देने का कोई मतलब ही नहीं है, खट्टा है तो खाएंगे नहीं, जब मीठे वाले आने लगते हैं तो सेब खाते हैं, तरबूज खाया देव खूब, लेकिन जो है यहाँ पे देखिए रेस लगा लगा के दूध पी रहा है इनसे, तो कहानी सुन के रेस लगा के ये सब कर करके उसको उल्लू बना बना के तो ये रेडी किए और कैसे भी करके तैयार हो गया। तो यहाँ पर बोला तो है कि केला खा लूँगा लेकिन वो खाया नहीं था, आधा वापस ही लेके आया था केला, वो बस रखवा लिया था, तो ठीक है कोई नहीं थोड़ा सा तो खाया था कम से कम। उसके बाद ये लगा रही है इधर पोछा, और पोछा ना आधा अधूरे में लगा के भागती है, तो वही मैं सामान हटवा के उसे कह रही थी कि थोड़ा ठीक से लगा दो, और चलिए मैं जा रही हूँ अब इसको छोड़ने के लिए देवा को, और मतलब 9 बजे ये जाते हैं 8:45 वो जाता है, तो 8:45 का टाइम हो रहा है, तो मैं जब आऊँगी तब ये अपना चले जाएंगे, 9 बजे में मतलब 5 मिनट कम रहता है 10 मिनट तब भी चले जाते हैं। और यहाँ पे ये दोनों माँ बेटी आई थी तो माँ ने बर्तन धो दिया और बेटी पोछा लगा रही थी, तो उसके बाद वो चली गई, तो ये जो है पोछा लगा के भी चली गई थी और मैं उसको छोड़ के आ गई। तो यहाँ पे देखिए ये नाश्ता वास्ता करके बर्तन पड़े हैं, और जितना सामान मिलता है ना सब उठा के जहाँ मिलता है वहीं वो रख देती है, एक भी सामान उठा के नहीं रखती, बस उसको झाड़ू लगाने से मतलब रहता है और कोई भी चीज़ करने से कोई मतलब नहीं रहता कि आपके घर में सामान कहाँ फेंका है रखना है नहीं, कोई मतलब नहीं, बस वो उठा के रख देती है। तो ये जो है ये सब काम मैं मतलब इन लोगों को भेजने के बाद ही कर पाती। तो यहाँ पे देखिए ये भी अपना चले गए ऑफिस, और देखिए डोरमेट तक नहीं डाल के गई है, तो डोरमेट मैं डाल लूँगी,
और एक दो जगह डाल दी, एक दो जगह नहीं डाली है, उसका यही रहता है रोज़ का काम जो है ना, ये लोग मन से नहीं करती हैं, बस वही है कि हमारी मजबूरी है कराना तो हम करा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लेके आ गई हूँ फिर से एक गिलास पानी और चाय, और पानी इतना आजकल पीने का मन कर रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो इस बार मैं ठंडा पानी लेके आई हूँ, क्योंकि कुछ ये सब काम करके इतना पसीना रहता है, इतनी गर्मी हो जाती है ना कि फिर लगता है कि हाँ थोड़ा सा ठंडा पानी ही पियो। सुबह मैं गर्म पानी ले ली हूँ, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ वो वाला कमरे में। मैंने चद्दर उद्दर लगा दिया था उसी टाइम जब गद्दा लेके गई थी, और इस कमरे का मैं चद्दर तो नहीं चेंज करूँगी, बस मुझे ठीक करना है, क्योंकि मतलब उजड़ पुजड़ गया है तो उसको ठीक कर देंगे, और बाकी जो है बाकी ऐसे ही रहने देंगे। और अभी मुझे लगाने हैं कपड़े, और कपड़े जब तक धुलेंगे तब तक मैं नहा धो के पूजा करने के लिए आ जाऊंगी, उसके बाद नाश्ता वास्ता करके थोड़ा आराम करके फिर खाना बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।